दोस्तों, अगर आप भीम यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते हो और इसके अंदर आपने जो भी बैंक अकाउंट ऐड किया है उसका बैलेंस चेक करना है तो वो आप कैसे करोगे ये बताने वाला हूँ। चैनल पर मैं हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बैलेंस चेक करने का प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले भीम एप्लीकेशन आपको ओपन करके लॉग इन कम्प्लीट करना है। तो दोस्तों, जैसे ही लॉग इन कम्प्लीट हो जाएगा, इस तरीके का इंटरफेस आप आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब ये जो पर्टिकुलर वीडियो है मैं आईफोन पे बना रहा हूँ, लेकिन आप सेम प्रोसेस एंड्रॉइड में भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ऊपर आपको आपका यूपीआई आईडी देखने मिल जाएगा और बाकी बैंकिंग रिलेटेड ऑप्शन आप यहीं पे चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, बैलेंस चेक करने का एक डायरेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, तो अगर आप उस पर टैप करते हो तो जो भी अकाउंट आपने लिंक किए होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और जो भी आपका प्राइमरी अकाउंट होगा वो डायरेक्टली आपको इस यूपीआई पिन वाले पेज पे लेके जाएगा। लेकिन आपको दूसरे बैंक का चेक करना होगा तो आप ऊपर कैंसिल वाला बटन सिलेक्ट कर सकते हो, और जो भी बैंक आपने ऐड किए हैं यहाँ पे हर एक बैंक के नीचे आपको चेक बैलेंस का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो जिसका भी बैलेंस आपको चेक करना है उसके ऊपर आपको सिंपली टैप करना है और यूपीआई पिन एंटर करके आप बैलेंस चेक कर सकते हो। अब ये था पहला तरीका जो हमें होम पेज के ऊपर मिलता है। इन केस अगर आपको चेक बैलेंस का ऑप्शन कहीं पे भी विजिबल नहीं हो रहा है तो आप ऊपर प्रोफाइल ऑप्शन के ऊपर जा सकते हो, और एक बार फिर से यहाँ पे मल्टीपल डिटेल्स देखने मिल जाएंगे। QR दिया गया है, UPI ID है, आपका मोबाइल नंबर है, नाम है, बेसिक डिटेल्स पता चल जाते हैं। यहाँ पे माय लिंक बैंक अकाउंट के यहाँ पे आपको अकाउंट दिख जाएंगे आपके जो आपने ऐड किए हैं। एरो के ऊपर टैप करना है और एक बार फिर से उसी पेज पे आ जाएंगे जो हम स्टार्ट में थे। तो इस पेज पे जिसका भी बैलेंस चेक करना है, चेक बैलेंस पर टैप कीजिए और यहाँ पे UPI पिन आपको एंटर करना है बैलेंस पूरा यहाँ पे कम्प्लीटली चेक करने के लिए। तो जल्दी से कर लेते हैं। अब यहाँ पे UPI पिन एंटर करने के बाद सिंपली सबमिट करेंगे, और जैसे ही सबमिट करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस होगा वो आपको यहीं पे विजिबल हो जाएगा। सेम दूसरे बैंक का चेक करना होगा तो चेक बैलेंस पे टैप करके UPI पिन एंटर कीजिए और बैलेंस आ जाएगा। तो यही सिंपल तरीका है दोस्तों, जिसकी मदद से भीम UPI के अंदर आप आपका बैलेंस चेक कर पाओगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।